हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो लेक्चर में हम सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डिस्कस करेंगे। कंसेप्ट इम्पॉर्टेंट है, न सिर्फ सीए इंटरमीडिएट के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत काम में आता है। कॉन्सेप्ट का नाम है डिसऑनर और बाउंसिंग ऑफ चेक। डिसऑनर और बाउंसिंग ऑफ चेक। सो कॉन्सेप्ट क्या है देखें हम। सेक्शन 138, बाउंसिंग और डिसऑनर ऑफ चेक। सबसे पहले जो ड्रॉअर है उसने होल्डर को चेक इशू किया। ये सेक्शन अपने आप में एक प्रोसीजर भी बताता है और मेथडोलॉजी भी बताता है। तो ड्रॉअर ने होल्डर को चेक इशू किया, होल्डर ने बैंक में डिपॉजिट किया, चेक डिसऑनर हो जाए तो क्या होल्डर ड्रॉअर को स्यू कर सकता है? और स्यू करेगा यदि, तो फिर जो होल्डर है वो ड्रॉअर को स्यू करने के बाद क्या क्या एनफोर्स करवा सकता है थ्रू कोर्ट। तो सेक्शन 138 में सबसे पहली बात, ड्रॉअर ने होल्डर को चेक इश्यू किया। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज, ये जो ड्रॉअर है ही इज डेटर एंड इशूइंग चेक टू हिज क्रेडिटर। होल्डर इज क्रेडिटर। नाउ क्या इंपॉर्टेंस शो होता है इस डेटर और क्रेडिटर को यूज करने से, जबकि ओरिजिनली सेक्शन जो है वो वर्डिंग यूज करता है लाइक ड्रॉअर एंड होल्डर। इंपॉर्टेंट थिंग इज लीगली एनफोर्सिएबल डेट को पे ऑफ करने के लिए डेटर ने अपने क्रेडिटर को चेक इश्यू किया है। नाउ लेट अस सपोज मिस्टर ए जो है वो मिस्टर बी को एक चेक बाय वे ऑफ गिफ्ट देते हैं और वो चेक डिसऑनर हो जाता है, तो क्या मिस्टर बी ए को स्यू कर सकते हैं? द आंसर इज नो। ऐसे ही मिस्टर ए ने एक एनजीओ को डोनेशन दिया, चेक डिसऑनर हो गया, क्या एनजीओ मिस्टर ए को इस सेक्शन में स्यू कर सकता है? द आंसर इज नो। इंपॉर्टेंस इस बात का है कि होल्डर और ड्रॉअर के बीच में लीगली एनफोर्सिएबल डेट एग्जिस्ट करता हो, यानी कि क्रेडिटर ने डेटर को या तो क्रेडिट सेल की हो गुड्स की, या फिर क्रेडिट में सर्विस प्रोवाइड की हो तो वो डेटर, या फिर जो मिस्टर ए है हमारे एग्जाम्पल में, या फिर हम कहें क्रेडिटर जो है वो क्रेडिटर फॉर मनी हो और उसने डेटर को लोन दिया हो, यानी या तो क्रेडिट में गुड्स सेल किए या तो क्रेडिट में सर्विस प्रोवाइड की जिसके पेमेंट्स अभी तक रिसीव नहीं हुए, या फिर क्रेडिट मनी दी है, क्रेडिटर फॉर गुड्स, क्रेडिटर फॉर सर्विस और क्रेडिटर फॉर मनी। तो डेटर अपने क्रेडिटर को चेक इशू करे, ड्रॉअर होल्डर को चेक इशू करे, ड्रॉअर और होल्डर के बीच में लीगली एनफोर्सिएबल डेट एग्जिस्ट करता हो, इंस्टीट्यूट की आस्किंग थी, गिफ्ट और डोनेशन का केस था, जब डिसऑनर हुआ चेक तो जिस संस्था को डोनेशन मिला था या जिस व्यक्ति को गिफ्ट मिला था क्या वो स्यू कर सकता है अंडर सेक्शन 138? आंसर इज नो। वापस देखते हैं, डेटर अपने क्रेडिटर को चेक इश्यू कर रहा है, ड्रॉअर होल्डर को चेक इश्यू कर रहा है, क्रेडिटर बैंक में इस चेक को डिपॉजिट करता है। नाउ जब क्रेडिटर बैंक में इस चेक को डिपॉजिट कर रहा है तो लिखा हुआ है विद इन 3 मंथ्स द चेक मस्ट बी डिपॉजिटेड और पीरियड ऑफ वैलिडिटी विच एवर इज अर्लियर। प्रैक्टिकली देखें दोनों बातें एक ही हैं, रीजन चेक की वैलिडिटी 3 मंथ्स की रहती है, बट फिर भी जिस दिन चेक मिला 3 महीने और पीरियड ऑफ वैलिडिटी विच एवर इज अर्लियर, इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर क्रेडिटर को यह चेक बैंक में डिपॉजिट करना है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, बैंक में जब यह चेक क्रेडिटर द्वारा डिपॉजिट किया गया उसके बाद यह चेक हो गया डिसऑनर, चेक डिसऑनर हो गया
ड्यू टू इनसफिशियंसी ऑफ फंड्स। नाउ अगर इंस्टीट्यूट ये आस्किंग करे कि मिस्टर क्रेडिटर ने अपने बैंक अकाउंट में चेक डिपॉजिट किया लेकिन इट वॉज डिसऑनर्ड ड्यू टू टेक्निकल रीजंस, टेक्निकल रीजंस जैसे पोस्ट डेटेड चेक हो, चेक पे सिग्नेचर नहीं किए हो, सिग्नेचर मिसमैच हो, कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स जिसमें ओवरराइटिंग अलाउड नहीं है उस जगह ओवरराइटिंग की हो लाइक एन अमाउंट, तो ऐसे केस में जो चेक डिसऑनर हुआ वो टेक्निकल ग्राउंड्स के कारण डिसऑनर हुआ, यहां ये प्रोविजन नहीं लगेगा। चेक डिसऑनर होना चाहिए ड्यू टू इनसफिशियंसी ऑफ फंड्स ओनली, तभी सेक्शन 138 का बेनिफिट क्रेडिटर ले सकता है। ना डेटर ने क्रेडिटर को चेक इश्यू किया, क्रेडिटर ने विद इन पीरियड ऑफ वैलिडिटी बैंक में जमा किया, यहां चेक जो है डिसऑनर हो चुका, बैंक रिटर्न द चेक एंड इट इज डिसऑनर ड्यू टू इनसफिशियंसी ऑफ फंड्स। अब जो मिस्टर होल्डर हैं, हमने पहले ही देख लिया है ये जो होल्डर हैं ये क्रेडिटर हैं, और होल्डर जो है वो ड्रॉअर यानी डेटर को नोटिस ऑफ डिसऑनर दे। बैंक ने इंटीमेशन दी है क्रेडिटर को कि चेक डिसऑनर हो चुका है, क्रेडिटर इंटीमेशन दे रहा है, नोटिस दे रहा है अपने डेटर को कि आपने जो मुझे चेक दिया था मैंने बैंक में प्रेजेंट किया और वो डिसऑनर हो चुका है। न सिर्फ नोटिस दे बल्कि इस नोटिस के माध्यम से पैसे मांगना भी जरूरी है, आस्किंग फॉर मनी इज मैंडेटरी कंडीशन। तो क्या बातें हैं, क्रेडिटर डेटर को राइटिंग में, ओरली नहीं बताना है कि चेक डिसऑनर हो गया, राइटिंग में नोटिस ऑफ डिसऑनर दे। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज विद इन 30 डेज देना है, अगर 30 दिन की समयावधि निकल गई तो सेक्शन 138 का बेनिफिट आप नहीं ले पाएंगे। सो दिस नोटिस इज टू बी गिवन विद इन 30 डेज, एंड इस नोटिस में सिर्फ ये नहीं बताना है कि चेक डिसऑनर हो गया है बल्कि आपको पेमेंट भी मांगना है। सिर्फ इस बात का नोटिस दे देना द चेक इश्यूड बाय यू इज डिसऑनर्ड, ये अपने आप में सफिशियंट या पर्याप्त नहीं होगा। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज क्रेडिटर मस्ट आस्क फॉर पेमेंट फ्रॉम डेटर। अब डेटर ने क्रेडिटर को चेक दिया था, चेक विद इन पीरियड ऑफ वैलिडिटी और 3 months बैंक में डिपॉजिट हुआ, यहां चेक डिसऑनर हो गया ड्यू टू इनसफिशियंसी ऑफ फंड्स, क्रेडिटर ने डेटर को नोटिस दे दिया 30 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन उसे बैंक से इंटीमेशन मिला था वहां से 30 दिन में नोटिस दिया डिसऑनर का, दिया राइटिंग में दिया और पेमेंट आस्क किया। नाउ डेटर जो है वो विद इन 15 days, अगले 15 दिन के अंदर अंदर डेटर अपने क्रेडिटर को पे ऑफ न करे तो फिर क्रेडिटर के पास एक राइट आ जाएगा जिस राइट के तहत वो कोर्ट में जा सकता है यानी कि डेटर को स्यू कर सकता है। लेकिन डेटर जो है उसको क्रेडिटर स्यू कब कर पाएगा, पहली बार जब उसने पेमेंट नहीं दिया, ये पेमेंट 15 दिन की समयावधि में नहीं दिया गया। अब ऐसे केस में यदि डेटर पार्ट पेमेंट कर दे क्रेडिटर को, डेटर यदि पार्ट पेमेंट कर दे क्रेडिटर को तो ऐसे केस में भी क्रेडिटर रेस्ट ऑफ पार्ट के लिए उसको स्यू कर पाएगा, यानी पार्शियल पेमेंट नहीं चलेगा। अगर पार्ट ऑफ पेमेंट किया गया तो भी क्रेडिटर के पास राइट रहेगा टू स्यू द डेटर अंडर दिस सेक्शन, राइट। तो डेटर अगले 15 दिन में पैसे यदि होल्डर को, होल्डर यानी क्रेडिटर को नहीं करता है तो ऐसे केस में होल्डर कंप्लेन कर सकता है इन राइटिंग विद इन 1 month, अगेन स्टेट्यूटरी पीरियड है ध्यान रखना है, 1 माह के भीतर भीतर ही कोर्ट में कंप्लेन करनी है। अब जब क्रेडिटर ने स्यू कर दिया डेटर को, कोर्ट पहुंच गया, कोर्ट नॉट इंफीरियर देन फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, राइट। तो कोर्ट में केस पहुंचा, अब कोर्ट क्या करेगी, इंक्वायरी करेगी, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगी दोनों पार्टीज को,
और उसके बाद अपना डिसीजन देगी। डिसीजन क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट। जितने अमाउंट का चेक था उसके ट्वाइस अमाउंट तक फाइन लग सकता है, मैक्सिमम फाइन ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक। तो फाइन ट्वाइस द अमाउंट, 2 साल तक की सजा इंप्रिजनमेंट ऑफ 2 ईयर्स, और बोथ कोर्ट क्या डिसीजन दे सकती है, जितने रुपए का चेक था उसके डबल अमाउंट तक का फाइन, 2 साल तक की सजा, या फिर दोनों। हमें दो बातें याद रखनी है, ट्वाइस, 2 ईयर्स, टू टू, दोनों, बोथ, राइट। तो एक बार समरी डिस्कस करते हैं क्या हुआ। ड्रॉअर, ड्रॉअर मस्ट बी डेटर, लीगली एनफोर्सिएबल डेट हो। ड्रॉअर ने होल्डर यानी अपने क्रेडिटर को चेक इश्यू किया, क्रेडिटर ने ये चेक जमा किया बैंक में विद इन पीरियड ऑफ वैलिडिटी, चेक डिसऑनर हुआ ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड। क्रेडिटर को जिस दिन इंटीमेशन मिली अगले 30 दिन के अंदर अंदर वो डेटर से पैसे मांग रहा है, नोटिस ऑफ डिसऑनर दे रहा है। अगले 15 दिन में डेटर ने क्रेडिटर को पैसे नहीं दिए तो क्रेडिटर कोर्ट में उसे स्यू कर सकता है। कोर्ट ये डिसीजन दे सकती है कि जितने का चेक है उसके डबल अमाउंट का फाइन, 2 साल तक की सजा, ये दोनों मैक्सिमम मैक्सिमम है, इससे कम भी हो सकता है, और बोथ। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। सबसे पहली बात, लीगली एनफोर्सिएबल डेट, मैंने ये पहले ही आपसे डिस्कस कर लिया है कि देयर मस्ट बी अ लीगली एनफोर्सिएबल डेट, यानी ड्रॉअर और होल्डर के बीच में डेटर क्रेडिटर का रिलेशन हो। गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी, इन पर्पस के लिए दिया गया चेक यदि डिसऑनर भी हो जाए तो यहां सेक्शन 138 के अंदर कोई किसी को स्यू नहीं कर सकता। दूसरी बात, प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ होल्डर। जब भी कोर्ट के पास कोई केस पहुंचा कि चेक डिसऑनर हुआ है तो कोर्ट प्राइमा फेसी, कोर्ट प्राइमा फेसी होल्डर को क्रेडिटर ही मानेगी। कोर्ट प्रिज्यूम कर सकता है कि जिस होल्डर का चेक डिसऑनर हुआ है वो क्रेडिटर ही है, लेकिन अगर ड्रॉअर ये प्रूव कर दे कि ये चेक लीगली एनफोर्सिएबल डेट के लिए नहीं था तो ही केस नहीं चलेगा, यानी बर्डन टू प्रूव डेटर के ऊपर रहेगा या ड्रॉअर के ऊपर रहेगा। कोर्ट तो हमेशा यही प्रज्यूम करेगा प्राइमा फेसी यानी एट फर्स्ट साइट कि वो जो क्रेडिटर था वो क्रेडिटर फॉर मनी, क्रेडिटर फॉर गुड्स, क्रेडिटर फॉर सर्विसेज था और लीगली एनफोर्सिएबल डेट एग्जिस्ट कर रहा था, इस कारण होल्डर को इस सेक्शन का बेनिफिट मिलना चाहिए। आगे, इफेक्ट ऑफ स्टॉक पेमेंट, इफेक्ट ऑफ स्टॉक पेमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पे भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ चुका है। मिस्टर डेटर ने अपने क्रेडिटर को चेक दिया, चेक देने के बाद मिस्टर डेटर अपने बैंक में अप्रोच करता है, वहां एक एप्लीकेशन देता है राइटिंग में और बोलता है दिस पर्टिकुलर चेक नंबर हैज बीन लॉस्ट, मेरी चेक बुक से एक पर्टिकुलर चेक जिसका नंबर ये है वो घूम गया है, कृपया इसका पेमेंट न करें। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज स्टॉप पेमेंट। अब ऐसे केस में अगर स्टॉप पेमेंट को इस सेक्शन के अंदर नहीं लाते तो क्या होगा, जो भी डेटर अपने रिस्पेक्टिव क्रेडिटर्स को चेक इश्यू करते उसके बाद अगर पेमेंट नहीं है तो स्टॉप पेमेंट की एप्लीकेशन देके आ जाते और बेनिफिट उठाते इस कॉन्सेप्ट का। लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में यह प्रोवाइड किया गया है कि वेन एवर द चेक इज डिसऑनर्ड फॉर द रीजन दैट ड्रॉअर हैज मेड एन एप्लीकेशन टू द बैंक फॉर स्टॉप पेमेंट, देन इट विल बी प्रज्यूम्ड द चेक इज डिसऑनर्ड ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स। ऐसा मान लिया जाएगा कि चेक जो है वो डिसऑनर हुआ है इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स के लिए यदि ड्रॉअर ने अपने बैंक में स्टॉप पेमेंट के लिए अप्लाई किया था तो, यानी स्टॉप पेमेंट के केस में सेक्शन 138 का बेनिफिट क्रेडिटर को मिलेगा। आगे, डिफेंस नॉट अलाउड, डिफेंस नॉट अलाउड। जब कोर्ट में केस चल रहा है
तो ऐसे केस में डेटर जो है वो इस बात पे प्ली नहीं कर सकता, आर्ग्यू नहीं कर सकता कि आई वॉज रीजन टू बिलीव, आई वॉज हैविंग बिलीव दैट आई वॉज हैविंग सफिशियंट क्वांटम ऑफ मनी एट पर्टिकुलर टाइम। इस बात के लिए कोई डिफेंस उसे अलाउड नहीं है। अगर सजा होनी है, फाइन लगना है तो लगेगा ही। डेटर ये डिफेंस सेटअप नहीं कर सकता कि रीजंस टू बिलीव नहीं थी मेरे पास कि उस पर्टिकुलर डेट पे इतने कम पैसे थे मेरे अकाउंट में, ऐसा डिफेंस नहीं चलेगा। यानी वो स्यू भी कर सकता है, मनी रिकवर भी कर सकता है। एंड लास्ट वन, दिस इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अगेन, ऑफेंसेस बाय कंपनी। इस पे भी कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आए, अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले ये जो कॉन्सेप्ट है सेक्शन 141 ऑफेंस बाय कंपनी, ये मामला क्या है मैं आपको बता दूं। इंडिया में मोस्ट ऑफ द लॉज में ये कॉन्सेप्ट आपको दिखेगा। सीए इंटरमीडिएट से लेके सीए फाइनल तक जितने आप लॉ पढ़ेंगे, अधिकतर एक्ट्स में आपको ऑफेंस बाय कंपनीज नाम से कॉन्सेप्ट दिखता है। इस प्रकार के प्रोविजंस जो ओवर एंड अबव हर लॉ में आते हैं, मैं उसको बोलता हूं आलू। आलू क्या होता है? हर सब्जी में डलता है। वैसे ही ऑफेंस ऑफ कंपनी क्या है? हर एक्ट में डलता है। आप अभी इसको अच्छे से समझ लीजिए, सीए फाइनल के लगभग 7 अलग अलग एक्ट्स में यही कंसेप्ट आएगा। यहां इंटरमीडिएट में भी आप डिस्कस करेंगे, राइट, ऑफेंसेस बाय कंपनी। मामला क्या है? यदि यहां पे सेक्शन 138 में जो डेटर है वो कंपनी है, यदि तो यदि इस एग्जांपल में कंपनी जो है वो डेटर है और कंपनी ने अपने क्रेडिटर को चेक इश्यू किया, ये चेक डिसऑनर हो गया। ऐसे केस में कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, जेल में जा नहीं सकता है, तो प्रोविजन क्या है कि कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ कंपनी हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस एट दैट टाइम, जब ऑफेंस हुआ उस समय कंपनी का बिजनेस जो कैरी करने के लिए अधिकृत था वो अधिकारी और कंपनी, राइट। और अगर किसी ऑफिसर ने किसी डायरेक्टर के कहने पे ये ऑफेंस किया तो वो भी लायबल हो जाएंगे अंडर सेक्शन 138। यानी ये जो ट्वाइस अमाउंट का फाइन है, 2 साल की सजा है और बोथ, तो ऐसे केस में कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है तो क्या बोला, कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस एट द टाइम व्हेन ऑफेंस वॉज कमिटेड एंड इफ दैट ऑफिसर हैज अंडरटेकन दैट टास्क ऑन द डायरेक्शन ऑफ एनी पर्टिकुलर डायरेक्टर, देन दैट डायरेक्टर ऑल्सो इज लायबल अंडर सेक्शन 138। बट इसके एक्सेप्शन, कब ऑफिसर्स ऑफ कंपनी लायबल नहीं होंगे, मैं अभी वापस बता रहा हूं। ये एज इट इज ऑफेंस बाय कंपनी कॉन्सेप्ट या सेक्शन या प्रोविजन आप इंडिया के लगभग हर लॉ में देखते हैं। एक ही बार अच्छे से समझ लीजिए, सीए फाइनल तक काम में आएगा। ऑफेंस कंपनी कमिट करे, यानी कि कंपनी जो है वो डेटर है इस पूरे डिस्कशन में, कंपनी द्वारा इश्यू किया गया चेक डिसऑनर हुआ है, कंपनी लायबल होगी। हर वो व्यक्ति जो ऑफेंस कमिट करते समय उस बिजनेस को यानी ऑथोराइज था चेक वगैरह इशू करने के लिए, वो भी लायबल होगा, डायरेक्टर्स भी लायबल होंगे, और अगर ऑफिसर किसी डायरेक्टर के कहने पे ऐसा कार्य करते हैं तो वो भी लायबल हो जाएंगे, राइट। लेकिन कब ऑफिसर्स ऑफ कंपनी लायबल नहीं होंगे? 2 कंडीशन हमेशा सेम चलेंगी। पहली बात, विदाउट हिज नॉलेज जो चेक इशू किया गया था कंपनी के द्वारा, ऑफिसर ऑफ कंपनी ये प्रूव कर दे कोर्ट ऑफ लॉ में कि ये मेरे नॉलेज के बिना किसी क्रेडिटर को इश्यू किया गया था। तो जिस चीज का नॉलेज नहीं है तो इंटेंशन प्रूव नहीं होता है, ऐसे केस में वो लायबल नहीं होगा। तो चेक वॉज इशूड विदाउट हिज नॉलेज, ऐसा ऑफिसर प्रूव कर दे तो वो लायबल नहीं होगा। सेकंड, ही एक्सरसाइज ऑल ड्यू डिलीजेंस, उसने पूरी सचेतता बरती थी कि चेक डिसऑनर ना हो, लेकिन फिर भी डिसऑनर हो गया, यानी कि ड्यू डिलीजेंस रखा। यह भी इस बात का इंडिकेटर है कि उसका इंटेंशन नहीं था, इट वॉज एन ऑनेस्ट मिस्टेक ऑन हिज पार्ट। तो ड्यू डिलीजेंस रखा फिर भी चेक डिसऑनर हो गया, तो ऐसे केस में वो लायबल नहीं होगा, राइट। तो ऑफेंस ऑफ कंपनी, ये भी डिस्कशन हो गया। अब
ये जो डिस्कशन था बाउंसिंग ऑफ चेक, इसकी पास्ट एग्जामिनेशन आस्किंग देखें हम, मई 2004, 2007, 8, 9, 17, 18, नवंबर 2006, 10, 18, इतनी ज्यादा बार थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की आस्किंग हुई है, राइट? तो बहुत सारे क्वेश्चंस तो आसान है, आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, शीट मैंने आपको दी है पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस की, राइट? आज भी कुछ फोटोज में शेयर करूंगा आपसे ग्रुप पे, लेकिन एक पर्टिकुलर आस्किंग जो है कंपनीज एक्ट की, सॉरी इस एक्ट की, वो हम समझते हैं कि एग्जाम्पल क्या था या इंस्टीट्यूट की आस्किंग क्या थी। पास्ट एग्जामिनेशन आस्किंग क्या है? एक कंपनी, उसके प्रमोटर या शेयर होल्डर ने चेक इशू किया, इवन दो ही वॉज नॉट ऑथोराइज बट ही इशूज चेक फॉर डिस्चार्जिंग अ डेट ऑफ कंपनी, कंपनी के डेट को, लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए शेयर होल्डर ने चेक इशू किया। क्रेडिटर जो है उसने चेक प्रेजेंट किया, लेकिन ये चेक जो है ये डिसऑनर हो गया। अब इंस्टीट्यूट की आस्किंग, क्या वो शेयर होल्डर या प्रमोटर लायबल होगा? द वेरी आंसर इज नो। रीजन, कंपनी ने ऑफेंस किया है, कंपनी लायबल, शेयर होल्डर ऑफिसर ऑफ कंपनी नहीं होता है, प्रमोटर ऑफिसर ऑफ कंपनी नहीं होता है, ऐसे केस में वो लायबल नहीं होंगे। क्या कंपनी लायबल होगी? यस। क्या कंपनी के डायरेक्टर्स लायबल होंगे? यस, लायबल होंगे, क्योंकि वो ऑफिसर्स थे एट दैट टाइम व्हेन चेक इज डिसऑनर्ड। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्या क्रेडिटर अपना पैसा रिकवर कर सकता है? यस, क्रेडिटर इज राइटफुल टू सू द कंपनी अंडर सेक्शन 138, राइट? इसके अलावा जो आस्किंग है वो जनरल कॉन्सेप्ट्स पे आस्किंग है। कंपनी वाला केस मैंने आपको बता दिया, स्टॉक पेमेंट वाला बता दिया, गिफ्ट डोनेशन वाला बता दिया, बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत सारे आए हैं बच्चों, तो आप इसकी रीडिंग लगाएं, अच्छे से इसको समझें, कुछ डाउट्स आती हैं तो बताएं। थैंक यू।